दोस्तों क्या आपने कभी अंडरग्राउंड मस्जिद के बारे में सुना है? नहीं। हाँ, अंडरग्राउंड मस्जिद, फैंसी, बड़ी सुंदर, इनोवेटिव, अलग अलग जगहों पे मस्जिद है। आपने मॉस्क के बारे में बहुत सुना हो, देखी होंगी, लेकिन आज आप मेरे साथ चलो एक अंडरग्राउंड मॉस्क देखने। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको एक ऐसे इस्लामिक तीर्थ स्थल को दिखाने लेके जाने वाला हूँ जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे जाना मेरे लिए एक अलग ही चैलेंज था बिकॉज ऑफ मौसम। मौसम इतना गर्म हो रखा है कि इस जगह पे फीलिंग टेम्परेचर 60 डिग्री के आसपास चल रहा है, और मेरे लिए, मैं इंडिया से हूँ, मेरे लिए 60 डिग्री फीलिंग टेम्परेचर फेस करना बहुत मुश्किल काम था। प्लस वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि इस वक्त लोग जाते ही नहीं है गर्मी की वजह से, वहाँ तक की लिफ्ट मिलना, हिचहाइकिंग करना, खाना पानी मिलना, वहाँ तक पहुँचना एक बहुत ही चैलेंजिंग रहा। बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलो, भारत से कई किलोमीटर ऊपर कजाकिस्तान नाम के देश के वेस्ट पार्ट। गुड मॉर्निंग भाई लोग, सुबह के बजे साथ पहली बार मैंने आज सामने से सनराइज देखा है यार, यहाँ पे कजाकिस्तान में। एक्चुअली कजाकिस्तान बहुत गर्म है, तो उसके जो पहाड़, छोटे मोटे पहाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे जो सूफी संत वगैरह थे, उन्होंने अंडरग्राउंड गुफाएं वगैरह, अंडरग्राउंड जगह ढूंढी अपनी तपस्या करने के लिए, अपना सोच विचार करने के लिए, वही देखने जा रहा हूँ। कहते हैं वहाँ रहना खाना मिल जाता है, तो आज रात को वहीं रुकूंगा, उन लोकल के साथ एंजॉय करूंगा। ये कमाल की चीज़ बताता हूँ, कजाकिस्तान में ना ऊँट और घोड़े ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे यहाँ गाय भैंस कुत्ते घूमते रहते हैं सड़क पे। भाई एक लिफ्ट मिली है गाड़ी में अभी सुबह सुबह। भाई एक और लिफ्ट मिल गई अभी बहुत देर बाद, और ये भैया पैसे मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया तो मान गए। अरे भाई ये जो एरिया है ना कजाकिस्तान का, ये पूरा ऑयल माइनिंग का एरिया है। मतलब यहाँ पे इतना तेल गैस निकालते हैं, हर जगह तेल या वो दिख जाएगा आपको, दिखाता हूँ। इंडिया गैस भी नो। तो भाई यहाँ पे कुछ तुर्कमेनिस्तान के लोग मिले हैं। हेलो। तो उम्मीद नहीं थी यार टैक्सी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल अनसुनसान पड़ा है। बेकेता था लेकिन लेकिन सलाम वालेकुम। कभी बेकेता था वो तो बहुत सोच समझ के आना, क्योंकि ये पूरा डेजर्ट इलाका है। एक लिमिट के बाद ये ट्रैफिक नहीं चलता, गाड़ियां वाड़ियां कुछ नहीं मिलेंगी और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, पूरा डेजर्ट है ये। यार यहाँ पे क्या है ना, जब रास्ते में जगह जगह पे ऐसी जगहें आती हैं कुछ, और यहाँ पे लोग रुक के प्रे करते हैं। अब ये शायद कुछ इनका, मुझे नहीं पता क्या है, समझ तो नहीं है, पूछूंगा किसी लोकल से, किसी को पता हो तो बताना यार। यहाँ पे ऐसे अंदर आके ना ये कुछ पूजा होती है इनकी, ये करते हैं। तो यार ये ना पीर टाइप है, कब्र है, मतलब अभी किनकी है ये भी मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जगह जगह पे ऐसी होती हैं, लोग बहुत मानते हैं। बेकित अता जाते हुए रास्ते में एक पड़ाव पड़ा, शोपन अता। ये बेकित अता जितना हिस्टोरिकल या फेमस या बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी मुझे काफी इस्लामिक कल्चर देखने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मिला। यहाँ पे ये कब्रिस्तान थोड़ा अलग टाइप का होता है यार, मुझे समझ नहीं आता। छोटे छोटे घर टाइप, छोटे छोटे ब्लॉक्स टाइप बना रखे होते हैं लोगों के, मतलब कब्रों के। ये कब्रिस्तान तो यार ये कब्रिस्तान ही है, फिर मैंने पता किया अभी, जैसे ऐसे ब्लॉक्स टाइप बना रखे हैं और उसमें लोगों का कब्र बना हुआ है। ये शायद यहाँ के सूफी लोग ही हैं पक्का, क्योंकि काफ़ी अलग अंदाज में, काफ़ी रॉयल अंदाज में, वीआईपी अंदाज में बना हुआ है सब कुछ। अब धीरे धीरे एट दी एंड वेट करने करते करते वो मॉस्क आ गया जो अंडरग्राउंड है, मतलब पहाड़ के अंदर गड्ढा करके बना रखा है, और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये। ये देखो भाई, ताकि गर्मी धूप ना लगे तो सूफी लोग अंदर बैठ के काम करते थे। तो यार अब मैं अंदर मॉस्क में जाके दिखाऊंगा अंदर से कैसी है ये, अंडरग्राउंड पूरा पत्थर ये है ना। तो यार अब अंदर जाके दिखाता हूँ मैं कैसी है ये पत्थर के अंदर। तो यार ये मस्जिद है, यहाँ पे चुपचाप बैठना है, और ये अंडरग्राउंड है पूरा, पूरा ठंडा है भाई अंदर से। भाई अब सेकंड पार्ट शुरू होगा। भाई यहाँ पे केवल आदमी लोग ही आते हैं मेनली, अब देखते हैं पूजा चलेगी इनकी। एग्जिट का गेट दूसरा, एंट्री का ये था, एग्जिट का ये है। अभी थोड़ी बहुत पूजा करके हम निकल रहे हैं यहाँ से। भाई एक और गुफा है, और ये पूरा थिंकिंग का स्थान बना हुआ है, तगड़ा है भाई ये, मतलब मजा आ गया।
इतनी गर्म जगह में, इतनी ठंडक, यहाँ पे बिना पंखे के सो सकते हो आप। ऐसे ऐसे घुस घुस के आना पड़ रहा है भाई इनमें। भाई रेगिस्तान में कुआं मिला है एक। भाई अब पानी निकालना है इसमें से। देखते क्या निकलेगा। भैया यानी जितनी रस्सी है ना, जितनी रस्सी है उतना लेवल डाउन जा चुका। ये लोग तो पी रहे यार, मैं नहीं पीऊंगा, गंदा लग रहा है मुझे, पेट पेट खराब ना हो जाए। यहाँ पे गुरुद्वारे की तरह खाने खाने की सुविधा है, मंदिरों में भी जैसे होती है। तो यार अब चलते हैं अंदर देखने खाने की सुविधा क्या है इनकी यहाँ पे। जिमी जिमी आजा आजा मिथुन चक्र नो नो ऑफ ऑफ राज कपूर सीता गीता ओ भाई नो सीता गीता गीता सीता बैके तथा हम आ गए, सामने है पार्किंग। तो बैके तथा में जाने से पहले प्री लेवल है, यहाँ पे पहले नमस्कार करना पड़ता है, फिर आगे जाएंगे। बैके तथा आ गया और बैके तथा के अंदर जाएंगे अब। रात को रुकने का प्लान था बट अब कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ पे भट्टी है यार ये पूरा। मैं कोशिश करूँगा ड्रोन फुटेज लेके दिखाऊँ कि क्या रास्ता है भाई, ये पूरा हमें नीचे तक जाना है वहाँ पे। इसलिए भाई बैके तथा स्पेशल है अपने आप में, क्योंकि पूरा ये हमें गुफा तक जाना है, काफ़ी लंबा रास्ता तय करके। भाई साहब काफ़ी देर से चलते जा रहे हैं, पता नहीं कब आएगा। पर बीच बीच में इन लोगों ने क्या किया हुआ है ना, ये ऐसे पानी भरने की जगह बना रखी है, और इन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया कि ये पानी सॉल्टी है, क्योंकि कई बार लोगों को चक्कर वक्कर आने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो पानी हल्का सा सॉल्टी किया हुआ है इन लोगों ने, मेडिसिनल वाटर बोलते हैं। तो ये बहुत बेस्ट काम लगा मेरे को। आ गया भाई बैके तथा, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते। ये सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मस्जिद है, और ये कॉन्सेप्ट यहीं है और कहीं है भी नहीं शायद। अंडरग्राउंड मॉस्क पहुंच गए हम, अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। पर मैंने डिसाइड किया कि मैं चुपचाप कैमरा छुपा के अंदर लेके जाऊंगा और आप सबको ये अनोखी मस्जिद दिखाऊंगा, पर नमाज या किसी और रिचुअल के टाइम मैं कैमरा बंद कर दूंगा। ऑडियो No. Sound. No. This about Bekke Tata and this room. We are at younger sister. Bekke Tata, younger sister? Younger sister, yes, yes. Bekke Tata, younger sister. This, we are at. This, we are at grandson. Grandson? Grandson. This, Murun. Murun. And this room, Bekke Tata, namaz read, and madrasa, school. School? Madrasa? You can then in the room. Okay. Thank you. Takmir, bye. Salam. Namaste. Jimmy. Sistra. Sistra, Bekke Sistra. Bekke Sistra, Bekke Sistra. वो ये भी खाना खा रहे हैं बैके तथा में। ये बहन जी हैं, इनके जो साथ थे वो टॉयलेट करने गए हैं अभी, और ये सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे जिमी जिमी वाले। जिमी जिमी तो यहाँ पे मेनली ब्रेड्स होती हैं, बिस्किट है, चाय है, और टॉफी वगैरह है। फास्ट फूड आइटम्स है सब मेनली।
भाई इतनी तेज धूप में चढ़ना ना उतरना जानलेवा है, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। बेसिक फीलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है भाई। बड़ा दुर्लभ नज़ारा है इनका, जो लोकल जानवर है वो दिखता नहीं जल्दी से, ये कैद हो गया कैमरे में। तो भाई इनको अलविदा कहने का समय आ गया, दोनों को बाय बाय।